एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था सनसनीपुर। गांव के लोग बहुत अंधविश्वासी थे और जैसे ही रात होती थी सब अपने अपने घरों में घुस जाते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो रात में गांव में घूमती है। एक दिन रमेश नाम का एक जवान लड़का गांव में आया। वह गांव की इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था और उसे भूत प्रेत की कहानियां और बकवास लगती थी। उसने सुना कि हवेली में कोई नहीं जाता और उसने डिसाइड किया कि वह वहां जाकर रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन रमेश ने किसी की नहीं सुनी। अंधेरी रात में रमेश ने हवेली की तरफ अपना पहला कदम रखा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी हो चुकी थी। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। हवेली के अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपने साथ लाई हुई लालटेन जलाई और चारों तरफ देखने लगा। रमेश एक कमरे में गया और अपनी जगह बनाई और वहां लेट गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब वह उठकर देखने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे पर कुछ हलचल हो रही है। उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। वह वापस जाकर लेट गया लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आने लगी। इस बार उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे उसके सामने खड़ी थी। रमेश की सांसें रुक गईं। औरत की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा बहुत डरावना था। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की आत्मा हूं। मुझे यहां बिना वजह मारा गया था और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। रमेश ने डरते हुए पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? आत्मा ने कहा, मेरे कातिल का पता लगाओ और उसे सजा दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश ने वादा किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन रमेश ने गांव वालों से पूछताछ शुरू कर दी और धीरे धीरे उसे पता चला कि उस आत्मा का कातिल कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया था। मुखिया ने हवेली को हड़पने के लिए उस औरत की हत्या कर दी थी। रमेश ने सारे सबूत इकट्ठा किए और मुखिया को पुलिस के हवाले कर दिया। मुखिया के पकड़े जाने के बाद रमेश हवेली में गया और आत्मा को यह खुशखबरी सुनाई। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रमेश, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। यह कहकर वह आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में कभी भी कोई अजीब घटना नहीं घटी और गांव के लोग रमेश को एक हीरो मानने लगे। रमेश ने अपने साहस और दिमाग से गांव को एक बड़े डर से मुक्त कर दिया।